से होटल और गुरुद्वारा साहिब मंदिर है और गोविंद घाट में अभी हम हैं और यहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे और हम पहुँचेंगे पुलना तक और पुलना के बाद वहाँ से पैदल ट्रैक है 7 से 8 किलोमीटर का ढंगरिया का। गोविंद घाट से पुलना के लिए हम सेटल सर्विस से जा रहे हैं। एक सेटल में 10 लोग बैठ रहे ना 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 पहुंच चुके हैं हम पुलना। हम लोग पहुंच चुके हैं पुलना और यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग ऊपर वहीं से स्टार्ट होता है पैदल ट्रैक और कम से कम 2 या 3 घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी हम चढ़ रहे हैं घांगरिया की चढ़ाई पे हैं। अभी ये देख सकते हैं पीछे का काफ़ी रास्ता भी हमने कवर कर लिया है और आगे अभी और खड़ी चढ़ाई है। आराम आराम से चलो तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हो। मेरे साथ मेरे फ्रेंड तेजपाल भी है जो इस रूट में साथ में है और घोड़े खच्चर भी चलते रहते हैं, अगर कोई लोग चलने में असमर्थ हैं तो वो इसकी सेवा भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रूट है, ये देखिए चारों तरफ पेड़ है। पुष्पावती नदी के साथ साथ दर्शन, ये संगम स्थल पुष्पावती नदी का। ये देख सकते हैं आप मधुमक्खियों के छत्ते कितने बड़े बड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही जगह पे। पहुंच गए हैं घांगरिया में और यहाँ से हार्डली 400-500 मीटर मेन जो मीटर घांगरिया में अंकल से भरा है वो है। अभी कैंप साइट सारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद आज हम घांगरिया ठहरेंगे और सुबह हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकलेंगे। वैली ऑफ फ्लावर 3 या 4 किलोमीटर वहाँ से होगा और ये सारा शेड्यूल जो होगा आज से यहाँ पे रेस्ट करेंगे और सुबह हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकलेंगे। अभी हम पहुँच गए घांगरिया और ये आप हम मेरे जस्ट पीछे सारे देख रहे हैं, ये कैंप साइट्स हैं यहाँ पे, स्विस कैंप कॉटेजेस आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और थोड़ा अगर मैं इधर घुमाऊं कैमरे को, ये हेलीपैड है यहाँ पे, यहाँ से हेली सर्विस रहती है, ये देख लीजिए। और ये आगे रास्ता पूरा घांगरिया जो मेन आप मार्केट होटल्स हैं वहाँ जाने का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब सुबह हम लोग उठ चुके हैं फ्रेश व्रेश होके, अब नाश्ता करने जाएंगे और अभी हम मॉर्निंग में अब निकलेंगे हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए।
क्योंकि जितना आप मॉर्निंग में निकलोगे तो उतनी ज़्यादा आप वैली को कवर कर सकते हो। ये हमारा रूम है जो हमने हंगरे में दिया था, और मैं आपको रूम के बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये जस्ट बगल में जीएमवीएन के जो रूम्स हैं, जीएमवीएन की प्रॉपर्टी है वो। और अब मैं, मेरा फ्रेंड प्रिंसिपल, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये होटल की लॉबी। ओके दोस्त, अभी हम लोग जो ये रूट पे वैली ऑफ फ्लावर का रूट है, और मेरे सामने आप देख सकते हैं जो ऊपर रूट जा रहा है ये है हेमकुंड साहिब का। यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पे हेमकुंड साहिब है, और यहाँ से 4 किलोमीटर एग्जिट, 4 या 3 किलोमीटर पे वैली ऑफ फ्लावर है। तो अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको आगे के भी व्यूज़ दिखाते रहेंगे। जब आप वैली ऑफ फ्लावर के लिए थोड़ा सा आगे आएंगे, जस्ट 50 मीटर पे आपको एक रूट मिलेगा फॉरेस्ट का, जहाँ पे आपकी 150 रुपये की पर्ची कटेगी। वो पर्ची आप लोगों को काट के फिर वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाना होगा, और शाम को 5 बजे तक आपको रिटर्न इसी पोस्ट पे आपको एंट्री करके वापस आना होगा। और ख़ास तौर पर ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप कूड़ा, किसी भी प्रकार का कूड़ा नहीं कर सकते, कोई भी पॉलीथीन बैग्स वगैरह वहाँ पर छोड़ के नहीं आ सकते। तरह के रास्तों से आपको वैली के लिए जाना होगा। अब देखिए कितना एडवेंचर है इन रास्तों में। अभी हम फूलों की घाटी के रास्ते पे हैं। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि जो बगल में जो आप देख रहे हैं पुष्पावती रिवर है जो निकलती है यहाँ पे से, और आवाज़ में क्या पता हमारी आवाज़ दब रही हो। और ये पुष्पावती रिवर है, आप इसका फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं कितना तेज है। और पूरे रास्ते में कई इसी तरह के व्यू पॉइंट्स वैली ऑफ फ्लावर में जब आप लोग आएंगे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्या हाल है दोस्तों, किसी ने खूब कहा है मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का है। और ऑन द वे टू वैली ऑफ फ्लावर बस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ मेरे भाई तेजू, ज़बरदस्त खड़ी चढ़ाई है भाई। भाई वो नदी तो बह रही है नीचे, अगर दिख रही हो अभी वहाँ से है ऊपर हम लोग। वो नीचे नदी दिख रही है, वाइट वाइट पानी जो बह रहा है, बस वहीं से चलते हुए अभी ऊपर पहुँचे। बस मज़ा आ रहा है एकदम ज़बरदस्त। ओए जन्नत देखनी है तो देखो फिर।
आओ, वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं फूलों की डिफरेंट स्पीसीज और बहुत दूर तक वैली आपकी फैली हुई है। जगह जगह डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं। फ्लावर का और धीरे धीरे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह हम 6:30 पे ब्रेकफास्ट करके हम निकले थे घांघरिया से और अप्रॉक्स 8:30 और 8:50 के बीच में हम वैली के अंदर पहुँच चुके हैं। अभी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हम और एक्सप्लोर करेंगे वैली को, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं वैली के लिए। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, मे भी हो सकता है फ़ोन की क्वालिटी उस तरह की ना हो कि फ़ोटो आपको वैसी ना दिखे, पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे फ्रेंड तेजपाल से मैं कहूँगा कि दिखाएं, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी फूलों की है। ग्रेनियम जो फ्लावर है इस टाइम पे जो खिलने वाला, बेसिकली सबसे जो अभी सबसे ज़्यादा ताजात में जो फ्लावर यहाँ पे है वो है ग्रेनियम। फ्लावर के अंदर हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर अभी आ गए और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं चारों तरफ डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ फूलों की यहाँ पर है और काफ़ी सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब इंडिया के तमाम कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं वैली ऑफ फ्लावर को देखने के लिए। और बहुत ही सुंदर जगह है, लाइफ में एक बार समय मिले टाइम लगे तो ज़रूर वैली ऑफ फ्लावर आप लोग आइएगा। इस तरफ देखिए कितने सारे फूल्स हैं, कितनी अच्छी वैली है, छोटे छोटे झरने, ठीक टॉप में आप देखेंगे ग्लेशियर है पूरा। बहुत ही सुंदर लोकेशन है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों मैं इस वक्त वैली ऑफ फ्लावर के 2 किलोमीटर करीब अंदर हूँ और मेरे जस्ट पीछे है टिपरा ग्लेशियर जहाँ से पुष्पवती नदी का उद्गम होता है, यहीं से पुष्पवती नदी निकलती है। और मेरे चारों तरफ आप जो व्यू देख रहे हैं ये सारा वैली ऑफ फ्लावर के अंडर में आता है। जितनी भी ये जगह हैं, जितना भी ये एरिया है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल और स्पेसिस फूलों की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर। ये देखिए कितने फूल चारों तरफ, वाह कितना सुंदर नजारा है। और ये यहाँ पर
वैली का पूरा टूर कंप्लीट हो चुका है और अब हम वैली को बाय बाय कहते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे वैली, नेक्स्ट ईयर जरूर आएंगे।